पुराने लोकेशन पर हम लोग आ गए हैं, देख सकते हो यहाँ पे आप लोग बहुत सारा वीडियो यहाँ पर देखा होगा। आपके लिए एक लाइट लेकर आए हैं जो कि आप देख सकते हैं CYT कंपनी की तरफ से आता है LED लाइट, जो कि हेलोजन लाइट की जगह पे आप लोग LED वाला लगा सकते हो, क्योंकि अभी थोड़ा ठंड का टाइम आ गया है तो फॉग वाला में थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ा कम दिखता है, तो आपको LED का भी ज़रूरत पड़ता है। तो गाइस इसका बॉक्स देख सकते हैं, कुछ ऐसा इसका लुक लाइक बॉक्स है ये बॉक्स। और चलिए इसको ओपन करते हैं, अंदर दिखाते हैं बॉक्स कंटेंट कैसा है। तो सुबह इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हो एक LED लाइट मिलता है, जो कि देख सकते हो कुछ ऐसा है। और यहाँ पर एक अलग से किट भी दिया हुआ है जो कि देख सकते हो अच्छा पावर के लिए। और बाकी यहाँ पर ये H4 सॉकेट भी दिया हुआ है, जो कि सारे बाइक में ऑलमोस्ट सारे बाइक में ही रहता है H4 सॉकेट, तो इसमें ईजिली प्लग इन प्ले हो जाएगा, ज़्यादा कुछ तार वार काटने का झमेला इसमें नहीं रहेगा। आप तो एक फेक भी आता है, इसमें एक ओरिजिनल प्रोडक्ट भी आता है, जो कि अभी जो मेरे हाथ में ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, एक फेक भी आता है। फेक का पहचान और ओरिजिनल का पहचान आप लोग सोच रहे कैसे करें, तो काफ़ी इजी है। जिसका बॉक्स कंटेंट है इसका थोड़ा अगर आप टच करोगे तो थोड़ा निकला हुआ वर्ड रहेगा, जितना भी जो लिखा हुआ है LED लाइट ये सब थोड़ा आप टच करोगे तो थोड़ा निकला हुआ टाइप का लगेगा। और यहाँ पर ये देख सकते हो ये लोगो नहीं लगा हुआ रहता, अगर कॉपी वाला आप लेते हो तो इसमें ये वाला लोगो आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ CYT, यहाँ पर वो लोगो नहीं, सिर्फ आपको सिर्फ ये वाला दिखेगा कंटेंट। बाकी इसका जो ग्लॉसीपन, इसको जो जितना चमक रहा है उतना वो कॉपी वाला में नहीं चमकता है, तो ये आप बात ध्यान रखना। और एक और छोटा सा टेक्निक है जानने का, कि अगर आप अगर LED लाइट अगर लोगे तो कॉपी वाला जो रहेगा ना यो ऐसा, मतलब उसका ऐसा फिनिशिंग नहीं रहेगा, ये जो पूरा फिनिशिंग है पूरा ये टोटल मैट फिनिशिंग है, पूरा सब कुछ मैट फिनिशिंग है सब कुछ। और जिसके अंदर का ये जो लिखा हुआ आप लोग देख रहे हो, ये जो लिखा हुआ है सारे ये मतलब ये कुछ पेन वेन से कुछ लिखा हुआ नहीं, ये टोटल लेजर प्रिंट है। आप अगर टच करोगे यहाँ पर तो पूरा लेजर प्रिंट यहाँ पर है ये पूरा, तो इसका ये पहचान है। और कॉपी वाला में ऐसा लेजर प्रिंट नहीं रहता, टच करोगे तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, इसमें टच करोगे तो थोड़ा पता चलेगा कि हाँ ये लेजर प्रिंट हुआ हुआ है। बाकी यही है, बाकी अगर कॉपी का अगर आपको देखना है कैसा रहता है तो मैं यहाँ पर अगर आपको एक छोटा सा मैं फ़ोटो यहाँ पर दे दूँगा, वहाँ पर देख लेना ओरिजिनल और कॉपी वाला देख लेना, तो आप लोग देखोगे कि राइट वाला जो रहेगा वो आपका ओरिजिनल है और लेफ्ट वाला कॉपी है, तो यही डिफरेंस है दोनों में बस, और कुछ नहीं। बाकी लाइट भी मतलब 19-20 का बस फ़र्क ही है, ज़्यादा कुछ। बट ड्यूरेबिलिटी की अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी इसका है, वो फेक वाला का कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं है, कुछ दिन तक चलेगा फिर ख़त्म हो जाता है, वो 200-300 तक में आता है। अब इसका प्राइस की बात कर लेते हैं हम लोग, तो ये 500-600 के अंदर में आराम से आपको इजीली आपको ये ओरिजिनल वाला मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने बाइक में लगाते हैं और दिखाते हैं कैसा थ्रो है लाइट का सब कुछ आपको, थोड़ा रात भी हो जाएगा जब तक, रात में भी आपको अच्छे से थ्रो दिखा देंगे कैसा विजिबिलिटी इसका आ रहा है रोड पर। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। बाकी So guys, यहाँ पे हम लोगों ने हेड खोल लिया है, तो देख लीजिए आप यहाँ पे इसका हेड ओपन हो गया है और इसका कुछ ऐसा यहाँ पर इसका कंडीशन है, काफ़ी अंदर धूल उल जम गया है। तो बाकी हम लोग इसका हेड लाइट का सॉकेट खोलते हैं हम लोग, सबसे पहले इसका प्लग निकाल लेते हैं। तो इसका यहाँ पर प्लग ले सकते हैं, यहाँ भी H4 टाइप का ही प्लग दिया हुआ है, जो कि काफ़ी ईजी यहाँ पर प्लग इन प्ले हो जाएगा, तो काटने उड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा वायर को। इसको साइड करते हैं, अब हम लोग बल्ब को बाहर थोड़ा निकाल लेते हैं, उसके लिए पहले डस्ट कवर हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा इसका डस्ट कवर है, ये डस्ट कवर निकाल दीजिए। और इसके अंदर यहाँ पे ये लाइट को भी निकाल लेते हैं हम लोग, तो इसका पिन खुल गया,
और यहाँ पर ये बल्ब निकल गया तो ये अंदर जिसको ओरिजिनल जो लाइट आता है वो यहाँ पे लगा हुआ था, जिसको हम लोग हटा रहे हैं अभी। एंड गाइस, लगाने से पहले आपको कुछ बता देते हैं, एक कुछ मेन टॉपिक कि अगर आप लोग एलईडी लाइट लगा रहे हो, अगर 3 एलईडी वाला है खास कर तो यहाँ पर देखना है कि 2 एलईडी अपर के लिए और 1 एलईडी डीपर के लिए रहता है। तो आप लोग अच्छे से देख कर लगाना, यह ना कि ऊपर नीचे लग जाए। तो आप जो डीपर वाला है तो वो देख सकते हो यहाँ पर, तो डीपर वाला ऊपर रखना है और अपर वाला नीचे का साइड रखना है, ताकि नीचे से रिफ्लेक्ट ऊपर होकर जाए। तो आप लोग ये बात जरूर से जरूर ध्यान रखना लगाने से पहले, अगर खुद से लगा रहे हो तो। इसका लाइट चेकआउट करवा देते हैं हम लोग हैं कि लाइट से कैसा दे रहा है। तो हम लोग इग्निशन अभी ऑन कर दिए हैं और एक बार सेल्फ लेते हैं। देख सकते हो 2 एलईडी यहाँ पर इसका जल चुका है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो 2 एलईडी और 1 एलईडी यहाँ पर, ये डीपर के लिए, जो कि यहाँ से डीपर अगर लेंगे तो देखिए यहाँ पर ग्लो करेगा। डीपर के लिए है, उसको ध्यान रखना है आप लोग लगाने से पहले। एक बार अगर लगाने से पहले आप लोग को ध्यान रखना है कि अपर डीपर का आप लोग एक बार ध्यान अच्छे से रख लीजिएगा कि कैसे लग रहा है। तो चलिए इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। डस्ट कवर इसके अंदर फिक्स नहीं हो रहा था तो इसलिए हम डस्ट कवर हटा दिए अभी है। बाकी यहाँ पे इसका देख सकते हो H4 टाइप सॉकेट है यहाँ पर, और ये रहा बाइक का सॉकेट, काफ़ी इजी है। यहाँ पे से बस प्लग एंड प्ले कर देना है, इसे बस प्लग कर दिए, ये प्रॉपर अच्छे से हो गया। इसको अच्छे जगह आप लोग एडजस्ट कर देना है। तो हम लोगों ने अच्छे से इंस्टॉल कर दिया है एलईडी लाइट को। अब इसका बारी, इसका टेस्टिंग का बारी, कैसा इसका लाइट का थ्रो दे रहा है। इससे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो देखा होगा कि मैंने पहले नाइट आई का मैंने लगाया था इसमें एलईडी लाइट, इसका लाइट काफ़ी मतलब अमेजिंग था यार। उसका लाइट कोई जवाब ही नहीं है, काफ़ी वो कॉस्टली भी था वो लाइट। और ये इसका लाइट का अगर प्राइस कर ली जाए बात तो ये 500 का आता है, और नाइट आई का तो यार 2100 और 2000 के अंदर में वो आता है लाइट, जो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो इसका अगर थ्रो की हम लोग बात कर ली जाए तो एक बार बाइक ऑनर का आपको दिखाया जाए थ्रो कि कैसा इसका लाइट का थ्रो है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो अभी डीपर चल रहा है, नॉर्मल अभी है। इसका थ्रो देख सकते हो कुछ ऐसा थ्रो है, एक बार रैप करके आपको दिखाया जाए इसका थ्रो कुछ ऐसा है। अगर इसका डीपर करते देख सकते हो इसका डीपर कुछ ऐसा है, यहाँ पर डीपर कुछ ऐसा है, बस थोड़ा सा इसमें कुछ फर्क आता है डीपर में। तो डीपर भी काफ़ी अच्छा इसमें दिया हुआ है। बाकी एक बार इसको ऑफ कर देते हैं। और अगर इसकी अगर अभी का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लीजिए, जैसे अभी डे अभी है तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात कर ली जाए तो अभी कुछ जज नहीं कर सकते हैं। अभी और थोड़ा सा रात में होने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि प्रॉपर कैसा इसका रोड पर विजिबिलिटी एक बार है, ठीक है। और अगर आप लोगों को नाइट आई के बारे में जानना है तो नाइट आई का मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, आज से कम से कम 1 साल पहले वीडियो बना चुका हूँ। आप उसका यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग चेक कर लेने नीचे, तो वहाँ पर आप लोग को पता चल जाएगा कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं। बाकी एक बार आपको कंपेरिजन में दिखा देंगे उस लाइट का भी और इस लाइट का भी, दोनों का रोड परसेंट आपको दिखा देंगे कि रोड पर कैसा थ्रो दे रहा है। तो सीधे हम लोग मिलते रहेंगे अब रात को, क्योंकि अभी तो कुछ दिखाने लायक है नहीं, बाकी सब कुछ अच्छे से इंस्टॉल में कर दिया हम लोग हैं। तो मिलते हैं रात को हम लोग। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर अंधेरा यहाँ पर हो चुका है, और देख सकते हो सामने एक भी लाइट नहीं जल रहा है। तो आपको एक बार लाइट इसका बाइक का चेकआउट करवा देते हैं कि बाइक का कैसा है। तो पहले विदाउट स्टार्ट का आपको एक बार डीपर मार के दिखाते हैं कि कितना ब्राइट करता है। और इसका ब्राइटनेस देख सकते हो कुछ ऐसा है, जो कि इसमें दोनों अपर डीपर दोनों बढ़ रहे हैं। एक बार आपको गाड़ी स्टार्ट कर आपको एक बार दिखा देते हैं कि क्या क्या देख सकते हो। अब इसका डीपर जल रहा है, जो डीपर में इतना ब्राइटनेस है, काफ़ी अच्छा ब्राइट है, पूरा रोड को अच्छा विजिबिलिटी दे रहा है। एक बार डीपर दिखा देते हैं, डीपर काफ़ी ऊपर की साइड जाता है, तो ये देख सकते हो डीपर भी काफ़ी अच्छा है। ये देख सकते हो सामने पूरा लाइट ही लाइट कर दे रहा है, ऊपर की साइड देख सकते हो तो काफ़ी अच्छा है। और आज एक बार आपको फ्रंट से भी एक बार दिखा देते हैं कि फ्रंट से कैसा लाइट करता है। तो फ्रंट से एक बार देख लो, चेकआउट कर लो आप लोग। तो ये देख सकते हो काफ़ी ब्राइट है यार, काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस इसका है।
अभी जिस प्राइस के अकॉर्डिंग आता है 500-600 के अंदर में जो आता है, तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है ये लाइट। आप एक बार परचेस कर सकते हो आप लोगों, अगर चाहो तो आप लोग इसका एक नाइट आई का कंपनी का भी एक आता है जो कि इससे बहुत बेटर है, थोड़ा सा कॉस्टली चल जाता है प्राइस, बट वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोग प्रेफर कर सकते हो तो एक बार कर लेना। बाकी अगर बात की जाए इसका, तो कंक्लूजन निकलता ये है कि ये 500 के अंदर में बेस्ट लाइट है। इसका लाइट का थ्रो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी देख सकते हो रोड को पूरा दम पूरा लाइट ही लाइट पूरा कर चुका है। एक बार इसको बंद करके एक बार दिखा देते हैं कि रोड का कंडीशन क्या है। देख सकते हो पूरा फुल अंधेरा है, एकदम एक भी लाइट नहीं यहाँ पर है, तो सोचो इतना ब्राइटनेस कर रहा है जो काफ़ी अच्छा है, देख लो। तो यार बेस्ट है लाइट है। इसका ब्राइटनेस चेक कर सकते हो फेस पे, काफ़ी ब्राइट दे रहा है, देख सकते हो पूरा फेस पूरा एकदम ग्लोई ग्लोई हो चुका है। तो गाइड, तो अगर बेस्ट कंक्लूजन की बात कर ली जाए तो बेस्ट ऑफ वैल्यू फॉर मनी है, तो आप लोग परचेस कर सकते हो आप लोगों। और बाकी हम लोग यहीं तक का वीडियो था, तो हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।